सो गाइस, फिर से आपके लिए एक नया अनबॉक्सिंग ले आ चुका हूँ और आप देख सकते हो यहाँ पे मैं इस प्रोडक्ट को अमेजोन से ऑर्डर किया हूँ। तो चलिए फटाफट से इसको अनबॉक्स कर लेते हैं। और आपको तो पता ही है कि इसमें क्या है, एक वॉल क्लॉक है। तो चलिए यहाँ पे आप देख सकते हो इस प्राइस, मतलब इसका जो डब्बा है उसके अंदर बिल निकल चुका है। इसका प्राइस है 199 रुपीस और यहाँ पे मुझे 40 रुपीस का शिपिंग चार्जेस देना पड़ा है। तो टोटल लगभग 139 रुपीस इसका प्राइस है और यहाँ पे आप देख सकते हो दो दो बिल निकला हुआ है। और चलिए फटाफट से प्रोडक्ट को ओपन करते हैं, उसके बाद आपको दिखाता हूँ इसमें प्रॉब्लम भी एक। इस प्रॉब्लम को आपको दिखाऊंगा इसी वीडियो में, आप पूरा बने रहिए वीडियो में, आपको काफ़ी मज़ा आने वाला है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इस प्रोडक्ट को मैं काट लिया हूँ और काटने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो प्रोडक्ट बिल्कुल निकल चुका है। अब निकलने के बाद यहाँ पे आपको मैं दिखाता हूँ घड़ी कैसा है। तो यहाँ पे जो घड़ी है वो काफ़ी तगड़ा दिख रहा है, आप भी देख सकते हो, कोई भी इसमें दिक्कत नहीं है। बल्कि जो मैं घड़ी ऑर्डर किया था, जो आपको मैं स्क्रीन पे भी आप देख सकते हो कि ये वाला मैंने घड़ी ऑर्डर किया था, और आप देख सकते हो कौन सा वाला घड़ी निकला है। यहाँ पे रोमन लेटर में लिखा हुआ है, बट मैंने अपने इंडियन लेटर में मंगाया था इसको, जो इंग्लिश लेटर होता है उस लेटर में। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसका सुई निकल चुका है, यहाँ पे तीन जो सुई है, हावर का, मिनट का और सेकेंड का। तो यहाँ पे एक और भी पर्ची था, उसको पर्ची को निकाल चुका हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हो इस पर्ची को। तो यहाँ पे चलिए फटाफट से इसके सुई जो है, जो मतलब हावर का, मिनट का और सेकंड का, इस तीनों को लगाता हूँ, उसके बाद आपको चालू करके दिखाता हूँ चल रहा है या नहीं, या फिर जो भी प्रॉब्लम है आपको पता चल जाएगा वीडियो में। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये घड़ी है और इसके अंदर छेद है, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो इसके अंदर मतलब सुई चला जा रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो घड़ी कुछ ऐसा दिखता है पीछे से, और यहाँ पे आप देख सकते हो फ्रंट से काफ़ी मेरे को तगड़ा दिख रहा है घड़ी, आपको भी काफ़ी अच्छा दिख रहा होगा। चलिए फटाफट से इसमें सुई लगाते हैं और सुई लगा के आपको चालू करके दिखाता हूँ चल रहा है या नहीं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये हावर का, ये भी मिनट का और ये सेकंड वाला मैं सुई, तीनों को तीनों लगा चुका हूँ। और लगाने के बाद चलिए बैटरी लगाते हैं। तो बैटरी मैं लेके आता हूँ, आप वेट कीजिए थोड़ा सा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैं बैटरी लेके आ चुका हूँ और ये ओल्ड बैटरी है मेरे पास पड़ा था, तो वही मैं लगा दिया हूँ। और चलिए फटाफट से इसके पीछे लगाता हूँ, उसके बाद यहाँ पे चलता है या नहीं आपको दिखाई देने वाला है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैं घड़ी को, जो घड़ी का बैटरी है उसको लगा देता हूँ। आप वीडियो को लाइक जरूर से कीजिएगा यार, बहुत सपोर्ट मिलता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैं घड़ी को, बैटरी को लगा दिया हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हो जो घड़ी है वो बिल्कुल चल रहा है, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो चलिए यहाँ पे मैं आपको अब कुछ और भी चीज़ें दिखाता हूँ इसका प्रॉब्लम्स। अब प्रॉब्लम्स ये है कि यहाँ पे घड़ी तो चल रहा है, इसका टाइमिंग सेट करने वाला था मैं, तो यहाँ पे जैसे ही मैं हिलाया ना, मैं सोचा इसको मतलब 12 पे ले जाता हूँ और उसके बाद यहाँ पे टाइम सेट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं तीनों को जो है उसको 12 पे ले गया। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो जो हावर वाला मिनट है, मतलब हावर वाला सुई है, वो ढीलने लगा, यानी कि मतलब निकल गया। तो मैं उसको निकल गया तो मैं सोचा लगा देता हूँ उसको, बैटरी को निकाला, उसके बाद यहाँ पे सेकंड वाला सुई को निकाला। और यहाँ पे जैसे ही सेकंड वाला सुई निकाला, यहाँ पे आप देख सकते हो पूरा ही निकल गया है, मतलब इसका जो समझ रहे हो ना, पूरा निकल गया, आप भी देख ही रहे हो। तो यहाँ पे पूरा निकलने के बाद मैं सोचा चलो चलो निकल गया, कोई बात नहीं, इसको लगा देंगे वापस से। तो यहाँ पे मैं तीनों को स्विच, मतलब तीनों जो तीनों सुई को निकाल के और वापस से मैं लगा देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हावर वाले को लगा दिया, फिर मिनट वाले को लगा देता हूँ और उसके बाद मैं सेकेंड वाले को लगा रहा हूँ। और यहाँ पे आप देख सकते हो प्रॉब्लम यहीं पे है कि ये पूरा सेट ही निकल गया है। और यहाँ पे आप देख सकते हो जो सेकंड वाला घड़ी है, मतलब सुई है, वो लग नहीं रहा था, मैं बहुत ही ट्राई किया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो थोड़ा सा मतलब समझ रहे हो, देखो अभी आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बिल्कुल लूज है, अभी यहाँ पे थोड़ा सा मैं लगा देता हूँ तो लग जाएगा, बट यहाँ पे चलेगा नहीं। तो यहाँ पे मैं देख सकते हो लगा दिया हूँ काफ़ी मुशक्कत के बाद, और उसके बाद यहाँ पे मैं लगाता हूँ बैटरी को। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बैटरी को मैं लगा देता हूँ, और लगाने के बाद आप देखिए ये घड़ी नहीं चल रहा है। अब देख सकते हो बैटरी लगाया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, और यहाँ पे सुई भी काफ़ी अच्छी से लग चुका है, लेकिन फिर भी नहीं चल रहा है ये। तो ये पता नहीं क्या हुआ है, मेरे हिसाब से ख़राब हो चुका है। अब मैं इसको रिप्लेस या फिर रिटर्न जो भी है वो करूंगा ही करूंगा। और यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर आप भी इसको खरीदते हो तो इसमें ज़्यादा मतलब दम लगा के नहीं खींचना, अगर ज़्यादा दम लगा के खींचते हो फिर आपका समझ लो कि ख़त्म बाजार हो गया, और पूरा निकल गया सेट तो समझ लो ख़त्म बिल्कुल।